किया गया है, किंतु हम अपने आप को उस स्थान पर नहीं पाते जहां इन कार्य क्षेत्रों में हमें मुख्य अतिथि की भूमिका सौंपी जाए। परंतु हमारे यहाँ आने की दो वजहें हैं। पहली वजह है वर्तिका सर्वेश कुमार जी का आमंत्रण। और दूसरी वजह आप सभी छात्राएं, क्योंकि आप सभी लड़कियों को अपने आप की उन दरिंदों से रक्षा करना सीखना है जो दिल्ली की सड़कों पर से आए दिन किसी भी लड़की को एक भेड़ बकरी की तरह उठाकर ले जाते हैं, उनका शोषण करते हैं और फिर कहीं गुम हो जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ तबाही। हमें आप सभी लड़कियों से बस एक बात कहनी है, थोड़ा सचेत रहना सीखिए। आधुनिकता के नाम पर उन्मुक्त जीवन जीने के बजाय आधुनिकता और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक समावेश बनाकर जीवन जीने की आदत डालिए। हमें यहाँ आकर ये जानकर बहुत हर्ष हुआ कि यहाँ की लड़कियां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी पारंगत हैं। यहाँ तक कि ओलंपिक्स में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सर्वप्रथम मैं ओलंपिक्स हैवीवेट गोल्ड मेडलिस्ट मंजू स्वरूप को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैंने जो कुछ भी किया है इसमें वर्तिका जी का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए मैं ये सम्मान उन्हें समर्पित करना चाहूंगी। जुल्म से तेरा ये टकराना हर एक उलझन को सुलझाना, हंस के आंसू को पी जाना, याद करेगा सदियों जमाना, चर्चे होंगे तेरे घर घर, अर्ध नारीश्वर अर्ध नारीश्वर अर्ध नारीश्वर अर्ध
पिताजी उस विद्यालय के संरक्षक बन गए। ये बात हमें जिस तरह पता चलनी चाहिए थी वैसे नहीं चली। खैर छोड़ो, शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और एक बात सच सच बताएं, हम वर्तिका जी में वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं। उनके लिए हमारी भावनाएं कुछ अलग जरूर थी, लेकिन हमने कभी भी उनके बारे में दुर्भावनाएं नहीं रखी। भैया जी एक बात कहूं, हमें तो पहले ही पता था कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। एक बात बताऊं भैया जी, इस राजनीतिक माहौल में होते हुए भी आपकी दौड़ एकदम अलग है। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भैया जी। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते जो ऐसी सोच रखते हैं। और साथ ही हमारे समर्थकों का भी हौसला नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम लोगों को एक खास हिदायत है कि उन लोगों पर पैनी से पैनी नजर रखी जाए जो वर्तिका जी के साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। और ऐसे हालात में तुम लोगों को क्या करना है ये समझाने की हमें तुम्हें जरूरत तो है नहीं। समझ गए भैया जी, 100% समझ गए। और हाँ, एक बात और ध्यान में जरूर रखना, और वो ये है कि ये मावा है ना, आजकल हमें मावा की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही। एक दूसरे को देखने से फुर्सत मिल जाए तो हमारी बात पे ध्यान देना। अब वो ये है कि मैंने देखा है कि तुम्हारा पलड़ा भी मामा की तरफ झुका झुका रहता है, और भविष्य में इस बात का ध्यान रखना कि मामा से जो भी बात करो वो बिल्कुल नपीतुली होनी चाहिए। समझे? जी भैया। अपराधियों की नाप तौल आप जिस ढंग से करती हैं नन्ही जी, वाकई में काबिले तारीफ है। और आप जैसे अफसरों पर हमें गर्व भी है। इसीलिए शायद हम जैसे अफसरों का तबादला आए दिन होता रहता है। कहीं पैर टिका कर रुकना नसीब ही नहीं होता। तबादले की फाइल सीधे हमारे हाथ में आ जाती है। कहीं पैर टिका कर रुकना नसीब ही नहीं होता। कहीं कुछ अच्छा किया नहीं कि तबादले की फाइल सीधे हमारे हाथ में आ जाती है।
लेकिन ऐसा इसलिए है कि इस तरह के केस को आप जैसे अफसर की जरूरत थी और आपने इसे सॉल्व भी किया। शायद इसीलिए केस आपको सौंपा गया। जी नहीं, ये केस हमें सिर्फ और सिर्फ वर्तिका के क्रिएट किए गए प्रेशर की वजह से दिया गया। वरना तो कुछ आला लोगों की सरपरस्ती की वजह से ये इस केस के खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। नलिनी जी, कहीं अनजाने में आपका इशारा हमारी तरफ तो नहीं है, क्योंकि वर्तिका ने हमें बताया है कि कुछ लोग हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा नाम होने के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी तो होते ही हैं ना। और हमारी ऐसी जुर्रत कहाँ कि हम आपके खिलाफ कुछ कह सके। लेकिन हाँ, अगर कुछ ठोस आधार मिल जाए तो हम चूकेंगे भी नहीं। वर्तिका को अपनी पार्टी और घर तक लाने में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा सामने आ सकता है तो वो यही है। और इनकी कोई ना कोई काट तो करनी ही होगी। सर, आप किस सोच में पड़ गए? बेटे, आज हम आप सभी से इतना प्रभावित हुए हैं बेटे, आज का दिन हमें कई दिनों तक याद रहेगा। वैसे भी हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। किसी विशेष प्रयोजन और निवेदन के साथ। वैसे भी हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। किसी विशेष प्रयोजन और निवेदन के साथ। बस सही समय आने पर। चलते हैं।
ये मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इनकी बात है तो यही समझे। लेकिन हाँ, हमें ये आभास जरूर हुआ है कि इनके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। अब उस खिचड़ी को ये हजम कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आपके नाम का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। मधु बलात्कार कांड में जो लोग शामिल हैं, उनका ये कहना है कि आप और आपके बेटे राकेश सिंह उन्हें शह दे रहे हैं। इसीलिए शायद हम जैसे अफसरों का तबादला आए दिन होता रहता है। कहीं पैर टिका कर रुकना नसीब ही नहीं होता। कहीं कुछ अच्छा किया नहीं कि तबादले की फाइल सीधे हमारे हाथ में आ जाती है। बड़ा नाम होने के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी तो होते ही है ना। और हमारी ऐसी जुर्रत कहाँ कि हम आपके खिलाफ कुछ कह सके। लेकिन हाँ, अगर कुछ ठोस आधार मिल जाए तो हम चूकेंगे भी नहीं।